हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेल्थ सेंटर इस्लामाबाद में जब आप वैक्सीन देने जाते हैं तो आपका टेस्ट कैसे करते हैं, मतलब लेबोरेटरी टेस्ट होता है, खून टेस्ट होता है, क्या होता है, उनको कैसे पता चलता है कि आपको किस किस्म की एलर्जी है। तो इसके लिए वो 12 कतरे पहले आपकी स्किन पर लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एक तरफ, 6 एक तरफ, 12 कतरे डाल के फिर उन पत्रों को छोटी बारीक सुई की मदद से थोड़ा थोड़ा जिल्द के ऊपर जो है डिप करवाएंगे, ताकि थोड़ा सा जो पत्रों का पानी है उस स्किन के अंदर चला जाए। इसी तरीके से फिर आपको कहेंगे कि 20 मिनट वेट करो। आप 20 मिनट बाहर बैठ जाएंगे, वेट करेंगे। जब आप वेट करेंगे तो कोशिश करें कि स्किन के ऊपर ना तो इसको कोई रगड़ है, ना ही इसके ऊपर कोई कपड़ा पड़े, ताकि ये निशानात ख़राब ना हों। अगर निशानात ख़राब हो जाते हैं तो फिर आपको दोबारा वो जो है दूसरी रात पर उनको दोबारा जो है ये सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि इसको जो है क्लियर रखें। और 20 मिनट के बाद आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको इन निशानात में जो चेंज आएगी उसकी मदद से डॉक्टर को पता चल जाएगा कि इस बंदे को किस किस्म की एलर्जी है, और वो उसके मुताबिक आपको वैक्सीन लिखकर दे देगा। आप एलर्जी सेंटर स्टोर पर जाके वैक्सीन ले लेंगे। वैक्सीन की कीमत 700 है, और वैक्सीन से पहले टोकन लेते हैं उसकी कीमत 1000 है। और इसी तरीके से ये जो है कोई लेबॉरेटरी नहीं होती, कोई खून टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपके ये जो निशानात हैं इनको डॉक्टर जो है जांच लेता है कि आपको किस किस्म की एलर्जी है, और उसके मुताबिक आपको जो है वैक्सीन दे देता है।